भिंड में महिला डीएसपी पूनम थापा के आने के बाद से अपराधियों में खौफ का माहौल है। पूनम थापा ने शहर होटल्स में लंबे समय से चल रहे सेक्स रैकेट के खिलाफ अभियान चलाकर शिकंजा कस दिया है। इतना ही नहीं, उन्हें खुद जान से मारने की धमकी तक मिली है। धमकी देने वाले व्यक्ति को भी उन्होंने जेल की सलाखों के पीछे पहुँचा दिया। भिंड में लोग उन्हें महिला सिंघम के नाम से बुलाते हैं। डीएसपी पूनम थापा का कहना है कि अगर आपके पास हिम्मत है तो आप बिना डर अपना काम कर सकते हैं। महिला होने के कारण उन्हें कई चैलेंजेस का सामना भी करना पड़ता है, लेकिन वो हर चैलेंज को पूरा करती है। इस वक्त हमारे साथ है महिला डीएसपी पूनम थापा, इनको भिंड में लेडी सिंघम भी कहा जाता है। कई प्रकार की कार्रवाई कर चुकी है। मैडम बताइए, किस तरह की कार्रवाइयां कर रही हैं आप भिंड में? भिंड जैसे नाम से ही जाना जाता था जब मैं राजगढ़ में प्रवेश में रही, उसके बाद फिर मैं यहाँ भिंड आई, मेरी पोस्टिंग भिंड हुई। तब मुझे कहा गया कि भिंड जैसे जिले में जा रही हो जहाँ पर रेत माफिया है, अपराधी प्रवृत्ति के लोग रहते हैं, तो यहाँ आकर भी मैंने बहुत सारी कार्रवाइयाँ की है। जैसे 3 सेक्स रैकेट मैंने पकड़े हैं। अभी 2 दिन पहले मैंने एक महिला पकड़ी है जो कि अवैध हथियारों का व्यापार करती थी, ठगी करती थी लोगों से। साथ में मैंने बहुत सारी ऐसी कार्रवाइयाँ करी हैं, अपराधियों को सजा दिलवाई है। तो कम से कम मैंने 21 इन्वेस्टमेंट कर लिए हैं अभी तक, जब से मेरा यहाँ भिंड ट्रांसफर हुआ है। मैडम इतना साहस कहाँ से आया आप में? साहस की सबसे बड़ी बात ये होती है कि साहस अंदर होता है, बस उसको मोटिवेट करने की देर होती है। तो जिले में जो मेरे एसपी सर हैं तो उनका मार्गदर्शन शुरू से मिला। उन्होंने हमेशा मुझे यही सलाह दी है कि तुम निडर होके काम करो, हमेशा साहस ही बनी काम करो, जरूर सफलता तुम्हें हाथ लगेगी। ये थे हमारे साथ महिला डीएसपी पूनम थापा। इनका कहना था कि निडर होकर मैंने काम किया है, अपराधी कितना भी अपराध करे लेकिन वो पकड़ा जाता है। सौरभ शर्मा बनता